गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 में भूगोल विषय में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। देखिए, इससे पहले कल आपको बताया जा चुका है जनसंख्या वृद्धि और उसके उपाय। देखिए, बहुत तेज गति से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसके परिणाम हैं, तो वो आज हम अध्ययन करेंगे लेक्चर नंबर 15 के अंतर्गत। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारी प्रगति पर पूर्ण ब्राम लगा दिया है। जो विकास है, आप जानते हैं, देश में विकास जो रुका है वो जनसंख्या की तीव्र गति के कारण रुका है। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए अनेक रूप में बाधक सिद्ध हो रही है, जिसका अध्ययन हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। ठीक, देखिए, जनसंख्या की वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर संभव प्रयत्न के बाद भी योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय का एक अंश बढ़ती जनसंख्या में ही खप जाता है। अर्थात जो राष्ट्र का विकास हो रहा है वह विकास, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसमें वो चीज खप जाती है, अर्थात विकास में दिखाई नहीं देता, वो अवरुद्ध के समान है, रुक जाता है। दूसरा है जनसंख्या तथा भूमि का दबाव। देखिए, देश में उपलब्ध भूमि पर जनसंख्या का जो बोझ है, जो दबाव है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, और ये जो दबाव है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अनेकों बाधाएं हमारे सामने आ रही है। तीसरा, जनसंख्या और खाद्य पूर्ति। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों एवं अन्य भोज्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग की समस्या उत्पन्न हो रही। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जिस तरह से हुई है उसकी वजह से प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में कोई विशेष वृद्धि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, उस पंचवर्षीय योजना में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, और उसमें आशित वृद्धि भी हुई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के स्तर को देखते हुए वह वृद्धि कम है। एक है जनसंख्या और अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार। सामान्यतः बच्चे, बूढ़े और 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो बेरोजगार लोग होते हैं अनुत्पादक उपभोक्ता के वर्ग में आते हैं। अनुत्पादक अर्थात वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, किसी तरह के उत्पादन में अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिनका देश के उत्पादन में किसी प्रकार का अंशदान नहीं होता है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि से देश में आश्रितों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये बच्चे, बुजुर्ग, 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ये सब उत्पादक श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उन पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ कहा गया आश्रितों की संख्या में वृद्धि हुई। एक है जनसंख्या और जीवन स्तर। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से समस्या जो उत्पन्न होती है उसने हमारे जीवन स्तर को एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती प्रदान कर दी है। उच्च जीवन स्तर हेतु हमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ ही, दोहन मतलब उसको उपयोग में लाना, के साथ ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा, तभी देश का आर्थिक विकास हो सकता है, अन्यथा आर्थिक विकास कर पाना असंभव है। एक है अगला आपका कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ती चली जा रही है, अर्थात देश प्रभावी मांग में वृद्धि हो रही है, जबकि उत्पादन आशातीत नहीं है, अर्थात उत्पादन में इस हिसाब से वृद्धि
नहीं हो पा रही है। इसका जो परिणाम है वो क्या है, कीमतों में वृद्धि, अर्थात बहुत तेज गति से कीमतों में वृद्धि हो रही है। एक है जनसंख्या और ऊर्जा। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत में ऊर्जा के उपभोग में भी वृद्धि हुई है। जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाते चले जा रहे हैं, जैसे कोयला है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और अन्य चीज़ें हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो नवीनीकरण में आते हैं, इनका हम दोबारा से नवीकरण कर भी सकते हैं, लेकिन खनिज तेल और कोयला क्षयी हैं, इनका क्षय हो जाता है, इसको हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते, इसलिए बड़े सोच समझ बूझ के साथ इनको प्रयोग में लाना जरूरी है। एक है आगे जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं। देखिए, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, अब आप समझें, बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। गाँव में रोजगार के अवसर न होने के कारण बड़ी समस्या में लोग गाँव से शहरों की ओर प्रवासित हो रहे हैं। गाँव में दो धंधे नहीं होते हैं, कामकाज बहुत कम होता है, इसलिए गाँव के लोग ज़्यादातर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। फलतः शहरों में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब वहाँ जनसंख्या का भार बढ़ जाता है तब वहाँ और अनेकों समस्याएं बढ़ जाती हैं। बड़े परिवारों के भार को सहन न कर सकने के कारण लोगों के दिमाग में ईर्षा, द्वेष और अशांति उत्पन्न होने लगती है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और अनेकों प्रकार की कुंठाएं भी जन्म लेती हैं, गलत चीज़ें जो जन्म दिमाग में आती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की स्थिति में भयावह स्थिति पैदा कर दी है, जो समाज के लिए वास्तव में एक कलंक है। अतः हमें इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारे आगे हमारे सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से, उन समस्याओं पर अंकुश तभी हम लगा सकते हैं जब जनसंख्या के नियंत्रण को हम अपनाएं, उस पर अंकुश लगाएं। आज इतना ही बच्चों, आगे कल अगला चैप्टर आपका शुरू कराया जाएगा, तीसरा। अब तक आपके दो चैप्टर ये पूरे हो चुके हैं, कल आपको तीसरा चैप्टर शुरू होगा, जनसंख्या संगठन। धन्यवाद।